आज हम लोग क्लास 10th की कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका हम लोग पांचवा लेक्चर देखेंगे, पांचवी वीडियो देखेंगे, जिसका टॉपिक है ब्लॉग्स एंड न्यूज ग्रुप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ब्लॉग्स, आखिर ब्लॉग होते क्या हैं? व्हाट इज अ ब्लॉग? लोग कह तो देते हैं कि ये ब्लॉग है, ये ब्लॉगिंग करता है, या फिर ये इंसान ब्लॉगर है, लेकिन ब्लॉग एक्चुअल में होते क्या हैं? अ वेबसाइट इन विच आर्टिकल्स आर पोस्टेड रेगुलरली एंड डिस्प्लेड इन रिवर्स ऑर्डर। एक ऐसी वेबसाइट या एक ऐसा वेब पेज जहाँ पर आर्टिकल्स को पोस्ट किया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं, उसी तरीके से एक वेबसाइट या एक ऐसा वेब पेज जहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं रेगुलरली, एक रेगुलर बेसिस पे, मतलब एक टाइम टू टाइम बेसिस पर वहाँ पे आर्टिकल्स को पोस्ट किया जाता है। और वो आर्टिकल्स किस ऑर्डर में दिखते हैं? रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर इन द सेंस, जो सबसे पहले पोस्ट किया जाता है वो बाद में पहुंच जाता है लास्ट में, मतलब जो लेटेस्ट आर्टिकल होगा वो आपको सबसे टॉप पे दिखाएगा। और उसके अगर उस मैंने कोई आज आर्टिकल डाला तो वो आज सबसे टॉप पे दिखाएगा, और अगर मैं कल की तारीख में कोई एक और आर्टिकल डाल दूं तो वो सबसे टॉप पे दिखाएगा, अगर मैं दो दिन बाद फिर कोई आर्टिकल डाल दूं तो फिर वो सबसे टॉप पे दिखाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में सारे आर्टिकल्स डिस्प्ले होते हैं। कंटेंस टेक्स्ट इमेजेस एंड हाइपरलिंक्स। एक ब्लॉग के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, हाइपरलिंक्स हो सकती हैं दूसरे ब्लॉग्स, वेबसाइट्स या किसी और वीडियोस के लिए, और कुछ ब्लॉग्स में तो अब वीडियोस भी आने लगी हैं। तो एक ब्लॉग क्या क्या कंटेन करता है? टेक्स्ट, इमेजेस, हाइपरलिंक्स एटसेट्रा। क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ व्यूअर्स। जो ब्लॉग क्रिएट किए जाते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉग बनाने वाले, लिखने वाले, वो क्या करते हैं? व्यूअर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके मुताबिक जो लोग देखना पसंद करते हैं उसके मुताबिक क्या करते हैं? अपनी ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑथरिंग, मेंटेनिंग और एडिंग एन आर्टिकल ऑन एग्जिस्टिंग ब्लॉग इज नोन एज ब्लॉगिंग। किसी भी पुराने ब्लॉग को, मतलब किसी भी ब्लॉग जो बन चुका है ऑलरेडी, उस पे उसको ऑथर करना, मेंटेन करना, या उस पर कोई नया आर्टिकल ऐड करना या डिलीट करना या मॉडिफाई करना, वो क्या कहलाता है? ब्लॉगिंग। और जो इंसान ब्लॉग करता है, ब्लॉगिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्लॉगर बोलते हैं। तो ब्लॉग, ब्लॉगिंग और ब्लॉगर में फ़र्क, डिफरेंस समझ में आया? ब्लॉग क्या होता है? एक वेबसाइट या एक ऐसी वेब पेज जहाँ पे आर्टिकल्स पोस्ट किए जाते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं, और जो आर्टिकल्स पब्लिश करने का काम होता है उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है, और जो इंसान ब्लॉगिंग करता है उसको ब्लॉगर कहते हैं। क्लियर है? अब कुछ हिस्ट्री की बात करें तो 1999 में जब ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी, ब्लॉगिंग का कंसेप्ट आया था मार्केट में, तब स्टार्टिंग में केवल और केवल 23 ब्लॉग अवेलेबल थे इंटरनेट पर, सोच सकते हैं, ओनली 23 ब्लॉग्स। और आज के टाइम पे, आज की तारीख में 600 प्लस मिलियन, मतलब 600 मिलियन प्लस ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। हर चीज़ के लिए आज के टाइम पे ब्लॉग अवेलेबल है इंटरनेट पर। अगर आप वो हेल्थ फिटनेस से लेकर डाइटिशियन के बारे में जानना चाहें, किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहें, तो वो सब की सब चीज़ें किसके फॉर्म में अवेलेबल हैं? ब्लॉग्स के फॉर्म में। टाइप्स ऑफ ब्लॉग। अब ब्लॉग कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो पर्सनल ब्लॉग, जो इंसान, जैसे मान लो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मैं अगर अपने बारे में एक ब्लॉग लिखता हूँ कि मैं, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी हॉबीज़ ये हैं, मेरे शौक ये हैं, मैं ये खाता हूँ, ये पीता हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, मैं इतना कमाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, तो ये सब चीज़ें किसके बारे में? मेरे बारे में। तो इसको क्या हुआ? ये पर्सनल ब्लॉग। नेक्स्ट है वी ब्लॉग। वी ब्लॉग का मतलब तो वीडियो ब्लॉग, एक ऐसा ब्लॉग जिसमें वीडियोज शो होती हैं। अब आपने सुना होगा कि YouTube पर आजकल के जो नई यूट्यूबर्स हैं उनका एक ट्रेंड है ब्लॉगिंग करना, वी ब्लॉग शो करना, मतलब वो हर दिन कोई ब्लॉग दिखाते हैं। एक टाइम पे आया था कि रिशम करके कोई यूट्यूबर है, उसने डेली के डेली एक वी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो जो भी चीज़, जो ब्लॉग वीडियो के फॉर्म्स बनता है उसको बोला जाता है वी ब्लॉग। नेक्स्ट हमारा फोटो ब्लॉग। अब जैसे वी ब्लॉग नाम से क्लियर है वीडियो ब्लॉग, उसी तरीके से नाम से क्लियर किया है फोटो ब्लॉग। वो ब्लॉग जिसमें फोटोज का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज़्यादा फोटोज के फॉर्म में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं फोटो ब्लॉग। आर्ट ब्लॉग, जो आर्टिस्टिक वे में एक आर्ट एंड क्राफ्ट के काम पे बनाया जाता है जो ब्लॉग, उसको क्या बोला जाता है? आर्ट ब्लॉग एटसेट्रा। इसी तरीके से बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, एग्जांपल अगर लिए जाएं ब्लॉग्स के तो बहुत सारे, बहुत टाइप्स हैं। कुछ मेन वेबसाइट्स, जो सबसे ज़्यादा फेमस वेबसाइट्स हैं ब्लॉगिंग की, वो कौन कौन सी? एक तो blogger.com और दूसरी blogspot.com। क्लियर? blogger.com एंड blogspot.com।
नेक्स्ट हमारा न्यूज ग्रुप्स। अब हम बात करेंगे न्यूज ग्रुप्स की। अब तक तो हमने पढ़ा था ब्लॉग्स क्या थे, अब हम बात करेंगे न्यूज ग्रुप्स की। न्यूज ग्रुप्स क्या है? ये ईमेल की तरह ही दिखने वाले हैं, मतलब इनका काम एक तरीके से लगभग लगभग ईमेल की तरह ही रहता है, सिमिलर होते हैं ईमेल जैसे, उन्हीं की तरह एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मेनली इनका काम क्या होता है, ये बुलेटिन बोर्ड पे पोस्ट किए जाते हैं जिससे कि हर कोई इनको रीड कर सकता है और इस पे रिस्पॉन्ड कर सकता है। हर कोई का मतलब वो हर बंदा जो उस ग्रुप में ऐड है एज अ मेंबर, एज अ मेंबर, एज अ कोऑर्डिनेटर या एज अ ऑथर, क्रिएटर, जिस भी फॉर्म में वो बंदा उसमें ऐड है उस ग्रुप के अंदर, वो उसको पोस्ट को रीड कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, उस पे कोई कमेंट कर सकता है, कोई अपनी मतलब कहते हैं ना एक व्यू दे सकता है, कुछ भी कर सकता है उस पर, ठीक है। अब न्यूज़ ग्रुप जो एक्चुअली होते हैं, मैं अगर आप लोगों को न्यूज़ ग्रुप बताऊँ एक सिंपल भाषा में, तो हाँ, न्यूज़ ग्रुप इन द फॉर्म, ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर क्या करा, एक ग्रुप क्रिएट करा। ग्रुप क्रिएट करा किसके लिए, जिससे बाकी लोगों को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करने के बाद क्या होगा, वो आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और शेयर करने के बाद एक म्यूचुअल कंक्लूजन पर उतर के आएंगे कि हाँ, इस सब जो बातें हुई हैं, इन सब बातों का एक मतलब निकल के आता है, वो है ये। ऑब्जेक्टिव क्या था इस ब्लॉग न्यूज ग्रुप को क्रिएट करने का, टू क्रिएट अ रूम ओपन फॉर डिस्कशन एंड चैट टू कम ऑन अ म्यूचुअल कंक्लूजन, मतलब एक ऐसा रूम क्रिएट करना जो डिस्कशन और चैट के लिए ओपन रखा जाए, मतलब वहां पे कोई रोक टोक ना हो डिस्कशन और चैट के लिए, केवल दो चीजें, डिस्कशन और चैट। और मेन ऑब्जेक्टिव इसके बाद क्या निकल जाता है कि वो किसी एक म्यूचुअल कंक्लूजन पर उतर के आए, कोई एक म्यूचुअल कंक्लूजन दे हम लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अब व्हाट्सएप ग्रुप और न्यूज ग्रुप में फर्क बस इतना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में लोग क्या करते हैं, कुछ भी भसड़ पे ले जाते हैं, मतलब किसी ने कोई मैसेज भेजा, रिलीजियस मैसेज है या कोई अंधविश्वास से मैसेज है या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कोई भी मैसेज है, चाहे वो सही है, रियल है या फेक है, लोग उसको फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूज़ ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता है, न्यूज़ ग्रुप में फालतू के मैसेज फॉरवर्ड करने का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। वहाँ केवल क्या होता है, आप आइए, एक टॉपिक आपको दे रखा है, उस टॉपिक पर डिस्कस कीजिए, एक दूसरे से चैट कीजिए, अपने आइडियाज शेयर कीजिए और किसी म्यूचुअल कंक्लूजन पर आइए। जैसे कि इंटरव्यू जब होता है, तो इंटरव्यू होने से पहले एक राउंड होता है, जीडी राउंड, इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, मतलब 5 से 7 लोग मिलकर क्या करते हैं, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद वो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं जिस कंपनी के लिए वो, जिस कंपनी में फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं और मेरे 4-5 दोस्त, हम लोग एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए, तो इंटरव्यू ने जो बोला, बोला कि आप लोग एक टॉपिक दिए जा रहे हैं आप लोगों को, आप उस पर जीडी करिए, ठीक है, आप लोगों का ये जीडी राउंड है। हम लोगों ने क्या करा, उस पर ग्रुपली डिस्कस किया, एक ग्रुप के फॉर्म में डिस्कस किया। कुछ लोग ने कुछ पॉइंट्स बोले, कुछ ने अगेंस्ट में बोले, कुछ ने फॉर में बोले, है ना। तो इन सब से क्या निकल के आता है, इन सब डिस्कशन के बाद एक म्यूचुअल कंक्लूजन निकल के आता है कि हाँ, इस पूरे टॉपिक का मतलब ये है। अब जो आपके न्यूज ग्रुप्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जिम से हो, चाहे हेल्थ से हो, फिटनेस से हो, डॉक्टरी से हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है आपका न्यूज़ ग्रुप, कोई भी टॉपिक। नेक्स्ट हमारा वेब एड्रेस। वेब एड्रेस आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं वेब एड्रेस क्या है, वेब एड्रेस को बोलना भी जानते हैं, लेकिन आई डोंट नो, मतलब आप लोग को पता भी है कि वो चीज़ जो आप बोल रहे हो सच में वेब एड्रेस ही है या नहीं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ऑल्सो नोन एज URL, वेब एड्रेस को क्या बोलते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हेल्प्स इन फाइंडिंग वेब पेजेस, वेब पेज को फाइंड करने में क्या होता है, हेल्प करता है। वेब एड्रेस के कंसेप्ट को आने से पहले क्या यूज कर रहे थे, नंबर्स यूज किए जाते थे, उन नंबर्स को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। अब जैसे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे रखा है 144.152.10.146, 144.152.10.146, ये क्या है, ये एक आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस को अगर आप क्लिक सर्च वेब ब्राउजर में सर्च करेंगे, एंटर करेंगे लिखकर, तो हो सकता है ये किसी एक वेब पेज पर लिख जाए, मतलब आईपी एड्रेस वो चीज़ होती है जिसको एंटर करने के बाद, इनपुट देने के बाद, वो आपको किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज या वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है, लेकर जाता है।
बाद में क्या हुआ, जब नंबर्स यूज होने लगे, आईपी एड्रेस यूज होने लगे, तो हर एक के लिए सारे आईपी एड्रेस उसमें हर एक के लिए सारे आईपी एड्रेस ध्यान में रखना, दिमाग में रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, डिफिकल्ट था। फॉर एग्जांपल गूगल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, हैकर अर्थ का, हैकर रैंक का, और यूट्यूब का, इसका उसका, इतने सारे आईपी एड्रेसेस को अपने माइंड में रखना, वो भी बिना किसी क्लैश के, बिना किसी प्रॉब्लम के, उन सबको मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जब इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी आने लगी तो लोगों ने क्या करा, वेब एड्रेस का कंसेप्ट लाए। वेब एड्रेस में क्या हो गया, उस आईपी एड्रेस को हटाकर उन लोगों ने क्या करा, एक नेम दे दिया उस चीज़ को, ठीक है, एक नेम दे दिया। उस नेम को देने से क्या होता है कि उस चीज़ को याद करना बहुत आसान हो जाता है। आज के टाइम पे क्या होता है, आईपी एड्रेस और वेब एड्रेस दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी वेब पेज या वेबसाइट पर जाने के लिए, किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को रिडायरेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस और वेब एड्रेस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसका आईपी एड्रेस वेब एड्रेस का एक एग्जांपल दूं, तो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, उन 50 के 50 के पास क्या एक रोल नंबर है, स्टार्टिंग में रोल नंबर दिए जाते हैं। रोल नंबर होने के बाद क्या है, वो रोल नंबर क्या होते हैं, वो रोल नंबर उनके आईपी एड्रेसेस होते हैं। अब कोई टीचर आता है रेंडमली, वो क्या ये बोलता है कि रोल नंबर 39 आपने ये होमवर्क नहीं किया, रोल नंबर 23 आपका ये क्वेश्चन गलत था, रोल नंबर वन आपके मार्क्स इतने कम क्यों आए। क्या वो रोल नंबर के हिसाब से सबकी कंडीशन जान सकता है, दिमाग में रख सकता है, मे भी पॉसिबल रख सकता है, लेकिन अगर वहीं स्टूडेंट्स 50 से ज़्यादा हों या और ज़्यादा बढ़ जाएँ तो मुश्किल बढ़ जाती है। और मेरे लिए एज अ टीचर, मेरे लिए तो 50 स्टूडेंट्स को मेमोराइज करना बाय देयर रोल नंबर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग उनके नेम्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम को बुलाते हैं, उनके नेम को कॉल करते हैं। जैसे अंकित आपने ये नहीं करा, अनुष्का आपने ये नहीं करा, धीरज आपका ये रह गया, नीरज आपको ये करना था, तो हम उनके नेम के साथ उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। तो वेब एड्रेस वही चीज़ होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ब्लॉग्स, न्यूज़ ग्रुप्स और वेब एड्रेस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंसेप्ट या कोई भी टॉपिक इससे पहले के लेक्चर्स में या इस लेक्चर में नहीं समझ में आया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल दे रखी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझको पूछिए, आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके, इस लॉकडाउन में वो भी पढ़ सके। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।